भैया ये इसको माल मिलाना सिखाना है यार अपने को। कहीं नहीं रे, पान की पिचकारी मारती यार बस। तो कंडक्टर भी बुलाना यार, भैया अच्छे है तुमको समझा रहे। दूसरा तो धुआं जाता है तुम। क्या बोले भैया, तुम तो छलका था यार, नीचे गिरा था पेट्रोल यार। सही बात है भाई, फ्री में मिल रहा है पेट्रोल। यहाँ तक आना चाहिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार तो सुबह सुबह अपने सर का फोन आ गया कॉलेज से, एंड सर बोल रहे हैं कि भैया आप तो आईटी की फाइल जमा करो, तो क्योंकि बहुत समय हो गया है और मैंने आईटी की फाइल जमा नहीं करी है। मतलब मैंने ना अपनी क्लास के कुछ बच्चों से भी बात करी, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा कॉलेज ऐसा हो रहा है बहुत सारे बच्चों को काम अटका के रखे उन्होंने, तो बच्चों ने भी पता नहीं क्या शपथ लेके रखी है कॉलेज को अभी फाइल देंगी नहीं। एंड गाइस अभी कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि अभी अपनी एग्जाम है ना 25 के बाद ही होगी, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं ना, तो अभी तक पेपर ही सेट नहीं हुए यार, क्योंकि सारे टीचर उधर बिजी है। एंड गाइस अभी अपन ने ना अपने शेर को भी नहला दिया है, बिल्कुल चकपक चकपक हो गए हैं और सूख भी गए हैं सर। वैसे तो मैंने इसको खाना दे दिया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कम पड़ गई ना, तो इसको थोड़ी सी और ग्रेवी खाना है, तो इसलिए यहीं पे बैठा हुआ मेरा मुंह ताक रहा है। देखो ये है ना, अब मैं दूसरे काम से जा रहा था, मेरे को कहीं और काम पे ले जा रहा है। अच्छा ऐसा, तो चलो ठीक है गाइस यार, लेकिन है ना ये सही में जेठालाल है यार, रियल लाइफ जेठालाल है गाइस। अभी देखो इसका किस्सा सुनाता हूँ ये बाहर आ जाए। मतलब गाइस कल के दिन सर के साथ एक इंसिडेंट हो गया है बहुत खतरनाक वाला। यही कलर में किसी ने इनके ऊपर पिचकारी मार दी यार, धोती शर्ट। हाँ मतलब इसी शर्ट में। अब ये क्या विचार है, उन्होंने बीमा चौराहे से आ रहे थे। कहीं नहीं रहे, पान की पिचकारी मार दी यार बस उसमें। उसमें गलती नहीं बिचारी की, उसको क्या लगा पिचकारी मारेगा वो, पिचकारी मारेगा उसको लगा। मारने का हाँ, तो तुम आ गए नहीं नीचे। जो स्पीच की जो वाट लगी, फिर वो सब सोचेगा वो, हमारा चेहरा याद करेगा वो, थूकने से पहले वो याद रहेंगे मेरे को जो चेहरा है। इनको पिचकारी मारी 1 किलोमीटर दूर, उसको लगा कि अब फ्री हो गया हूँ मैं, अब ये आएंगे नहीं पीछे। इसने क्या करा, हमारे भैया उन्होंने इधर पुलिस में सबको फोन लगा दिया कि भैया इसकी बारा वजह नहीं अपने को। तो इतना गुस्से में हो गया था ये, मुझे बता रहा था जिस कलर की इसकी शर्ट है ना, उस कलर का ये हो गया था ये। पीछा करते करते उसको कहाँ पहुंच गया, बस स्टैंड। उसने देख लिया कि हाँ ये वाली बस थी और ये खिड़की खराब थी, तो वहाँ खिड़की पे चले गया। और बेचारा वो भी आदमी सीधा था यार, बाल बच्चों के साथ था, वो बिना देखे थूक गया था। नहीं तो इसका थोड़ा सा हाइपर हो गया था, ठीक है कि हाथ हमारे बंदे होते हैं एकदम ड्रेस में थे ड्यूटी पे थे, दूसरा था हाथ फेर रहा था इतने। तो कंडक्टर भी बोला ना यार कि भैया ये अच्छे है तुमको समझा रहे, दूसरा तो दुबा जाते हुए लगता तुम। चलना किधर है अपने, इटावा। अच्छा मामी को छोड़ के आना है, छोड़ के कल चले कहाँ पे, स्टारबक्स है। अरे कल तो वही शिवरात्रि है यार गाइस, तो स्टारबक्स की बात कर रहे हैं, वैसे आज तक गए तो है नहीं हम। जाओ बुलावा आ गया, लगा दे चलो। भाई भी मुझे पहनते हैं, देख के मेरे को गर्मी होने लगी थी। अरे गाइस यार थोड़ी सी एड़ी फट रही है ना, तो मैंने इसमें थोड़ा क्रीम व्रीम लगा के रखा है यार भैया। वो यार गाइस चेतन भैया का चश्मा बड़ा खतरनाक लग रहा है यार, एक नंबर लेके आया। हमको भी दिलवा देना यार सर ऐसा यार, दिला दें। कितने का लाए, 45 रुपए का। अरे भाई सही से बोल दिया कर यार, 45 रुपए का। मतलब वो बस एक कमेंट्स करना इतने होते हैं। और अभी देखो इसका पेट्रोल गाइस है ना इतना हो रहा है, और इसको अगर है ना जरा से यहाँ से इधर भी दिख जाता है पेट्रोल, तो इसको भी डलवाना है। छलका देंगे पेट्रोल। अरे ये देखो ये ऊपर ऊपर ही छलक रहा है, डलेगा पेट्रोल अभी। और अरे भाई कैसा आदमी है रे भाई तू, मैं गाइस है ना जब ये रेट पाता जब डलवाता हूँ पेट्रोल। 300 का कहाँ से आएगा ना, इसको है ना इतने से भी सबूरी नहीं हो रही हो, ये पेट्रोल यहाँ इतना आ गया है। क्या बोले भैया तुम तो छलका था यार, नीचे गिरा था पेट्रोल यार। सही बात है भाई, फ्री में मिल रहे पेट्रोल यहाँ तक आना चाहिए। अच्छा ऐसा, ये पानी वानी भरा जाता है ना, तो वो भी यहाँ से डायरेक्ट निकलता है नीचे, इसमें नहीं जाता टंकी में। गाइस अभी हम आए हैं नायरा पे पेट्रोल डलवाने, बस हम देवास में 2 जगह पेट्रोल डलवाते हैं यार, क्योंकि बाकी सारी जगह है ना बहुत फ्रॉड है यार। मतलब कहीं पे भी चले जाओ, इसमें चले जाओ, इंडियन ऑयल चले जाओ, या फिर दूसरे पे भी चले जाओ, और कोई से भी है, सब मतलब काटते पेट्रोल यार। एक नायरा और एक रिलायंस बस। क्या बोल रहा, माउंटेन ड्यू बस। अरे तो यार सॉरी यार भैया, कुछ भी खिला दो, खाने पीने की चीज ही करता रहता। और ये देखो लिंगर, फिर कैसे बांधा ये पत्थर से, ये देखो हाँ ये नई टाइल्स वाइल्स बांध के। चल आज तक काम करता हूँ मैं, काम सिखाता हूँ नया जिसमें थोड़ी फिजिकल मेहनत होती है। चलो आता रहा हूँ, माल मिलाना सीखेंगे आज अपन। हाँ भैया ये इसको माल मिलाना सिखाना है यार अपने को। आ जाओ आ जाओ, तेरा जब ये दूसरी मंजिल बनाएंगे नहीं, जब अपन सीखेंगे। हाँ नहीं जा रही है ये, मिस्त्री साहब बोलेंगे आपको, मिस्त्री साहब ठीक है। दादी भी आ गए इधर से देखने के लिए हो कि क्या सीख रहे हैं ये नई चीज। अच्छा ये बनाता था, ये यहाँ कीचड़ से खेलता था रे पंचुल। तू तो असली माल बनाता था। असली माल ये होता है, ये
इससे बनता है घर। मैं बाहर ये बता ये काई के लिए, ये काई के लिए, ये उसको वो करने के लिए क्या ये तान लेते ना। हाँ। वाह यार इतना तो मालूम है। चलो ये यार लाला लाला तो पायलट निकला यार, भौरी घुमा दी उसने, तेरे से नहीं घूम रही यार भैया, यार तू घुमा अच्छे से यार। लो ये लो आपके आपके गुरु आ गए लाला भैया। अभी देवास के तो मेन मार्केट में इतना माहौल नहीं है यार, अभी देख लो यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मल डे है। कल के दिन अपन यहाँ पर आएंगे, कल के दिन खतरनाक रैली निकलेगी यार, तो अभी थोड़ी सी अपन पेट पूजा कर लेते हैं यार। गाइस एक नंबर, अब लग रही अच्छी। ऐसे ना अभी थोड़ा सा काम और आ गया हमको, इसके वजह से थोड़ा और मार्केट में रुकना पड़ेगा। गाँव का थोड़ा सा काम है, इनके जो राठौर समाज है ना उनका यार एक बैनर छप रहा है, वो अभी हाल है ना इसके भैया ने ऑर्डर किया है, तो अभी बनने में उसको 10-15 मिनट और लगेंगे, तो वो है ना बस के थ्रू हमको ना शिफ्ट करवाना है। एंड गाइस देख लो ऐसे बनते हैं बैनर, थोड़ा सा फेविकोल थोड़ी सी चमक लगा देते हैं और अपना बैनर तैयार। ये ऐसा अब ठोकेंगे इसको तो बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। ये गाइस एक कला ही है यार, जो भैया ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखा है ना, अगर ज्यादा प्रेशर से अपन चला दो जैसे नॉर्मल व्यक्ति अपन जैसे रोहित ही चला दो, पूरा एकदम से यार पूरा ग्लू बाहर आ जाएगा। इसमें भी बहुत ज्यादा स्किल चाहिए रहती है। पहले क्या भैया चौक से लिखते हैं? अच्छा हाँ ये पुंगी आप एक्सपर्ट हो गए ऑफिस में। हाँ चलो गाइस अभी तो अपना ये रेडी हो गया है बैनर, अब जो सी बस से हमको पहुंचाना था ना वो तो 5 मिनट यार पहले ही चले गई, अब वो तो बहुत आगे निकल गई होगी। अब यार 10-15 मिनट थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर दूसरी बस आएगी तो फिर उसमें चढ़ा के घर निकलते हैं फटाफट।